हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलर्निंग पाठशाला। दोस्तों, ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि एप्पल अपना फ्लैगशिप फोन आईफोन 11 इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला है। और फ्रेंड्स, ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है अगर करंट सिनेरियो को ध्यान में रखा जाए तो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड चाइना के अगेंस्ट इस टाइम एक तरफ खड़ा हो चुका है और चाहता है कि चाइनीज प्रोडक्ट का किसी ना किसी तरीके से बॉयकॉट किया जाए, और वो चाइनीज प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव को ढूंढ रहा है जहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन चाइना के अलावा हो। तो ये उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये न्यूज पूरी क्या है और आखिर ये न्यूज कैसे इंडिया के जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है उसको पूरा करेगा। तो इस वीडियो में काफी कुछ हमें जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्पल अपना आईफोन 11 फ्लैगशिप फोन जो उसका है, सबसे टॉप मॉडल का फोन है, उसको चेन्नई के फॉक्सकॉन प्लांट में बनाने वाला है। ये कंफर्म हो चुका है, इवन उसने उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दी है। दोस्तों, ये इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसके लिए काफी ज्यादा बूस्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एक एप्पल जैसी जायंट कंपनी जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेकर आती है तो इसके कितने पॉजिटिव कास्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। क्योंकि आप देख सोचिए कि एक कंपनी कितना ट्रस्ट बिल्ड करेगी मार्केट में, जहां पर और दूसरी कंपनियां मार्केट से इंडिया में अपना पैसा लगाना शुरू करेंगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगी। और मैन्युफैक्चरिंग जो कि हम जानते हैं कि इंडिया में मेक इन इंडिया सबसे पहले, यही हमारा एम है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है। तो ये स्टेप, क्योंकि हमें ये इस चीज को हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि सिर्फ इसे एक कंपनी से ना देखा जाए, इसे ऐसे देखा जाए कि एक कंपनी अपने साथ और कितनी कंपनीज को लेकर आएगी। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि चाहे एप्पल अपना क्या नाम है कोई प्रोडक्ट इंडिया में बना रहा है, इससे पहले भी वो मॉडल बना चुका है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि वो अपना टॉप मॉडल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। अब ये क्या है आपको मैं बताया, जैसे मैंने कि इंडिया ऐसा नहीं है कि एप्पल फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट इंडिया में बना रहा है। इससे पहले 2017 में वो बेंगलुरु में विस्ट्रॉन नाम की एक उसकी जो फैसिलिटी वहां पे आईफोन एसई को बना चुका है। पिछले साल लास्ट ईयर उसने अक्टूबर में आईफोन 10R को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। तो ये पहली बार नहीं है कि एप्पल अपना पहली बार कोई प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि वो अपना जो लीड मोबाइल है, जो उसका फ्लैगशिप फोन है आईफोन 11, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एप्पल के तीन मेन जो सप्लायर हैं वो है फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। मैंने आपको बताया कि फॉक्सकॉन में आईफोन 11 का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, विस्ट्रॉन का आपने देखा है एसई में प्रोडक्शन हुआ है 2017 में, और पेगाट्रॉन भी अब इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। जहां तक खबर कंफर्म हो रही है कि पेगाट्रॉन भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो दोस्तों, काफी बड़ी न्यूज है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि फॉक्सकॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने, और देखिए अमाउंट देखिए $1 बिलियन। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा दूसरी कंपनीज के जो उनका जो मोरल है और जो उनका कॉन्फिडेंस है एक मार्केट के लिए उसको बिल्डअप करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरी जो कंपनी है पेगाट्रॉन, वो भी आईफोन की जो सेकंड नंबर की असेंबलर है, वो भी इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये कंफर्म हो चुकी है न्यूज। तो ये इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट इंडियन मार्केट में लाने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये पीयूष गोयल जी इसकी जानकारी दे रहे हैं, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मेक इन इंडिया के तहत में आईफोन 11 का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने भी ये जानकारी दी, ये टेलीकॉम मिनिस्टर हैं हमारे देश के। तो अब दोस्तों, इसमें बात ये आती है कि एप्पल को इससे फायदा क्या होगा। अब मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूँ कि एप्पल, मान लो ये एप्पल आईफोन 11 ये मैन्युफैक्चर करता किसी और दूसरी कंट्री में और वहां से इसको इम्पोर्ट करता, तो उसको अराउंड 20% टैक्स देना पड़ता, वो इससे बच जाए। तो आप सोचिए, इस टाइम जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा है और उस टाइम पे अगर उसको 20% टैक्स से बच जा रहा है यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के, तो वो क्यों नहीं आएगा। तो ये उसके लिए भी एक गेन इन गेन दोनों तरफ के लिए है, इंडिया के लिए भी और एक तरफ से एप्पल के लिए भी ये गेन इन गेन है। और वो एप्पल जानता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और आने वाले टाइम में आपको भी पता है कि इंडिया में 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर अभी हैं इस टाइम पे। तो सोचिए आगे आने वाले टाइम पे कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने वाली है मार्केट। इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि कई सारी अलग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, जैसे
Xiaomi, Samsung, Vivo, ये सब भी धीरे धीरे करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए ईगर हो रखी हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इंडिया से इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ में नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है क्योंकि ये मल्टीफोल्ड इफेक्ट करेगा कि एक ये जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करेगा हमारे, दूसरा ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको भी हेल्प करेगा, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दूसरी कंपनीज का जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करेगा। तो ये मल्टीफोल्ड जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि पॉजिटिव कास्केडिंग इफेक्ट होगा एक स्टेप के, हमेशा इसे हमें सिंगल वे में नहीं देखना चाहिए, हमें ऐसे देखना चाहिए कि इसके और क्या इम्पैक्ट होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपके जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हम आगे आपके पास में ऐसी और वीडियोज को लेकर आते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।